हरे कृष्णा। ठीक है, सभी लोग अपने समय से कुछ समय निकाल करके मठ में आए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे, ये क्या है जो यहाँ पे आए हैं, ये जगह क्या है? देखो, हम स्कूल जाते हैं तो हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं तो हमें पता है हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। हमारे एक एम होता है, एक आइडल बनने की कुछ कोशिश होती है कि हाँ मुझे डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना है, तो उसके प्रोसेस में ये मेरा पहला स्टेप है। तो यहाँ हम बैठे हैं तो इसका भी हमें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों अपने घर का स्थान छोड़ करके, अपना वो जो शायद घर में रहता तो और कुछ कर सकता था, पर वो सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कुछ तो रीजंस होंगे, तो मैं वो रीजंस जानना चाहूँगा। पहले कोई है जो बता सके? बोलिए, हमारे बता दो। मैं 3 घंटे मेट्रो में बैठ के और गुरु महाराज जी की हरी कथा सुनने के लिए आया हूँ। ओम अज्ञान निग्रह ज्ञानाजनशलाकाय चक्षुर्विद्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणी वासुदेवी नामे मानसक पीतानाम पानी का विष्णु। मैं डॉक्टर राजकुमार वत्स, मेरे गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनसे मैंने 2009 में दीक्षा और हरिनाम लिया। उसके बाद हिंदी भाषी कोई महाराज मुझे नहीं मिला जो मुझे हरिकथा समझ में आए। पिछले साल मैं वृंदावन गया हुआ था, महाराज जी से भेंट हुआ, श्रीधर महाराज जी से, वहीं जीत प्रभु जी से मुलाकात हुई। जीत प्रभु जी की मेरी 2-3 बार बातचीत होती रही उसके बाद, और फिर पिछले साल कार्तिक मास में हम परिक्रमा में महाराज जी का संग हुआ और गोवर्धन गोड़िया मठ में हम 2 घंटे महाराज जी से हरिकथा हुई। हर एक महीने हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे, आज भी हमारे गांव से गए हैं, लेकिन मैं नहीं गया, कभी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज महाराज जी की हरिकथा सुननी है। वो कहते हैं आप प्रभु जी आप हमेशा जाते थे, आज क्यों नहीं जा रहे? बोला नहीं प्रभु जी मगर मैं परिक्रमा तो हर बार कर लूँगा, लेकिन महाराज जी की हरिकथा बार बार मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। आज मैं मेरा गांव यहाँ से 150 किलोमीटर है, वहाँ से मैं चलकर और गुरु महाराज जी की हरी कथा के लिए आया। जिस दिन मठ का उद्घाटन था उस दिन भी मैं अकेला ही आया था। अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अपने गांव से काफ़ी आदमियों को यहाँ लेकर आऊँ और गुरु महाराज जी की हरी कथा सुनूँ, क्योंकि हिंदी भाषी और कोई नहीं हमें बताता जितने प्यार से समझा रहे हैं महाराज जी, और हमें समझ में आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों महाराज जी के पास आए और हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो गुरु महाराज जी से मैं निवेदन करूँगा मेरे ऊपर अपनी कृपया वर्षण करते रहें, और जिससे कि मैं जिसको भी कहूँ वही गुरु पहले जितने भी लोग यहाँ है जो बोलेंगे प्रसाद पाने, उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होता है, क्योंकि आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो भी कुछ हूँ, श्रील गुरुदेव की कृपा और भगवान के प्रसाद से ही हूँ। आज से 15 साल पहले जब मैं 5 साल का हुआ करता था, हम मठ में सिर्फ एक ही लोग से जुड़े थे। मठ में क्या मिलता है? प्रसाद। 5 साल की उम्र में मुझे कुछ हरी कथा तो समझ में आती नहीं थी, इवन अभी नहीं आती।
तो वो क्या था जिसने हमें एक मठ से जोड़ के रखा? प्रसाद। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कीर्तन में। कीर्तन में भी कुछ नहीं होती, धुन होती है ना, उछल कूद वाली, पिताई गौर है गोल, उसमें हुआ। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मठ में आते थे। मैं बोल सकता हूँ कि मैं मठ में क्यों आते थे, मैंने प्रसाद पाने। आज ही मठ में टिका हुआ प्रसाद की वजह से। यदि प्रसाद उड़े तो भैया मैं तो ऐसा नहीं। तो ऐसे जितने लोग हैं जो ये बोल सके भाई हम तो डेली सैटरडे संडे मठ में प्रसाद बहुत सुंदर होता है, अपने घर की रसोई से परेशान है, वो अच्छी नहीं लगती, मठ का प्रसाद पाने जाते हैं, जो ये बोलते हैं उनके लिए मैं जोरदार ताली करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके मठ में आए। क्योंकि ये जो प्रसाद है कोई साधारण वस्तु नहीं है, एक ग्रंथ है जिसमें भगवान के उस नृत्य करके इन सब चीजों को करके ही हम माया को जीत सकते हैं, यानी कि अपने कष्टों को भूल सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सब ट्राई कर रहे हैं और जगत में हो जाए तो ठीक है, हमें भी बता देना, पर मुझे तो लगता नहीं इसके अलावा कोई है। जितना मैं शास्त्रों में अब तक पढ़ा कोई ऑप्शन है ही नहीं भगवान की वस्तुओं को सेवा में लेकर के, मतलब उनका उनको ग्रहण करके यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो ही बच सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए कि भैया प्रसाद पाने के लिए आए, हरी कथा सुनने के लिए आए, कीर्तन सुनने के लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जगह क्या है? इस जगह को वेद प्रकाश प्रभु ने जब इस जगह का इनॉग्रेशन हुआ था तो उसने बोला था ये वैकुंठ से अभिन्न है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना करी, गुरुदेव बताते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई गौड़ीय मठ नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं साक्षात राधा रानी के निकुंज को इस पृथ्वी पे लेकर के आ गया। बोले यहाँ भी वही चीज होती है जो उस जगत में होती है। बोले क्या? सुबह मंगल आरती। जितने लोगों ने मंगल आरती दर्शन किए उसके जो पद हैं वो कोई साधारण पद नहीं है, किसी कवि ने लिख दिए। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो देखा क्या में आने वाले जन्मों में मैं उस चीज को समझ पाऊं, उनकी अनुभूति कर पाऊं। तो कोई सोचे कि भाई क्या कीर्तन बंगाली कीर्तन बैठ के कर रहा है हमारा संगीत नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरी भी नहीं आता, बस गुरुदेव ने कहा है इससे कल्याण होगा, शास्त्रों ने कहा इससे कल्याण होगा, तो निश्चित तौर पर होगा। समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, बैठना चाहिए। ऐसी संसार में हर वस्तु समझ में आती है क्या? ऐसे कितने लोग जो बोले नहीं मुझे आज तक जितना सब कुछ कर सब समझ में आ रहा है। क्लास में हर सब्जेक्ट समझ में आता था क्या? हर लेक्चर समझ में आता था? हर चैप्टर समझ में आता था? हर क्वेश्चन समझ में आता था? फिर भी किया ना, उसका परिणाम क्या हुआ? दुख। उसके अलावा कुछ मिला आज तक? कोई कह सके नहीं भैया मैंने इसमें ये किया तो मुझे ये मिला, तो ठीक है नहीं समझ में आया तो भी क्या, तो भी मिला। पर लेकिन भक्ति जगत एक ऐसा जगत है समझ में ना आने पर भी कि हम करेंगे तो कल्याण ही होगा, अकल्याण किसी भी तौर पर नहीं है। इसका साक्षात उदाहरण
के 2:30 बजे का अलार्म लगा लिया। अलार्म तो लगा लिया, उसकी आदत तो है नहीं, अलार्म बज रहा है वो नहीं उठा, बाकी सब उठ गए उसको छोड़ के, बाकी सब उठ गए पर वो नहीं उठा। जब एक सब परेशान हो गए तो एक वैष्णव उठ के आया, उसकी अलार्म क्लॉक उठाई और बाहर फेंक के मारी, उसके चिथड़े उठ गए। बोले एक वो लोग हैं जो अलार्म बजता तो है पर उठते नहीं, तो ये मठ क्या है, ये अलार्म क्लॉक है। कैसी अलार्म क्लॉक, जो हमें बताया कि भैया जाग जाओ अब बहुत टाइम हो गया सोते सोते, कहाँ सो रहे हम, माया की एक कीर्तन है, जीव जागो गौरा चांद बले, एक कीर्तन है सबने सुना होगा। तो बोले हम कहाँ सो रहे हैं, हम सब माया की गोद में सो रहे हैं, जो ये मठ आकर के हमें अलार्म देता है, घंटी देता है, श्रील गुरुदेव वैष्णव लोग आकर के कान पे बजाते भैया अब जागो, उठ जाओ, जाग जाओ, अब इससे ज्यादा सोओगे तो सो जाओगे। कुछ लोग, अब इसमें 3-4 प्रकार के लोग होते हैं, इनमें वैरायटीज है सुबह उठने वाले लोगों में। कैसी वैरायटीज है, बोले एक व्यक्ति वो है जो अलार्म बजन दे भैया अपने को सोना है, मतलब सामने से लोग निकल के जा रहे हैं मठ में, कुछ दिन मठ में आते हैं पर उसके बाद हाँ प्रभु जी कल से आऊंगा, प्रभु जी मठ में थोड़ा तो आओ, प्रभु जी अगले संडे से आऊंगा, इस संडे मेरी बेटी का बर्थडे था, अगले संडे से पक्का, प्रभु जी अगले संडे आ गया, प्रभु जी आप आए नहीं, प्रभु जी थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया, अगले संडे से पक्का। वो एक संडे संडे करते करते यमराज की घंटी का बुलावा आ जाता है, फिर वो बोलने वाले कि बसता काम, प्रभु जी आप आए नहीं, प्रभु जी गए। एक वो लोग हैं जो उठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर सोचते हैं अभी टाइम नहीं हुआ कल से करते, ये कौन है, कुछ टाइम मठ में आते हैं, आते हैं पूरा वैष्णव सेवा करते हैं, सारी सेवा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, पर कुछ उनके साथ घटना घट जाती है। देखो हमारी भक्ति में जो कुछ होता है ना, जो हमारी दिनचर्या में होता है, सबकी लाइफ सेम तो है नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, हमने ऑलरेडी बीज बो रखा है उसका फल स्वरूप निकल के आ रहा है, हमारे ही कर्म है वो, जो हम पिछले जन्मों जन्मों भोग करके आए हैं उसका जब इस जन्म में भोगने को पड़ रहा है। यार हम तो इतनी भक्ति करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, 16-16 माला करते हैं, 1-1 लाख माला करते हैं, हमारे साथ ये हो गया, ये कैसे हो गया, भजन वजन सब बेकार से तो पहले ही अच्छे थे, सब छोड़ छाड़ के वापस घर। ये एक प्रकार के लोग बोले वास्तव में कौन है, कौन वास्तव व्यक्ति है, बोले जो उठे अलार्म बंद करे, नहाए धोए अपने ऑफिस जाए, प्रिपरेशन करे अगले दिन की, बोले ये कौन है, ये आप सब लोग जोरदार एक बार अपने बोले कुछ भी हो जाए हमें मठ जाना ही है। जैसे हमारे प्रभु जी 150 किलोमीटर माइंड रखता है, 150 किलोमीटर माइंड रखता है, 3 घंटे ट्रैवल करके आ रहे, ये सोच करके मुझे जाकर के क्या मिलेगा, शिला गुरुदेव की कथा मिलेगी, मैं किसी लिए जा रहा हूँ, कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, प्रसाद वाला व्यक्ति तो मैं किसी लिए जा रहा हूँ, गुरुदेव की कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कथा के लिए इतनी लालसा साधारण तौर पर नहीं होती, क्योंकि कथा समझ में आ जाए, ये भक्ति जगत में क्या है कि हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या समझना चाहिए, अभी हमारी सुकृति नहीं, हमें जितनी हमारी परिमाण में सुकृति बढ़ती जाएगी उतने परिमाण में हमें वस्तुएं समझ में आने लगेगी। जब मैं मठ में गया प्रभु जी की कथा सुनता था, मुझे दिन में 2 टाइम कथा होती है, सुबह भी और शाम भी, मुझे धेलावर समझ नहीं आता था, क्योंकि उस समय ग्रंथ भी ऐसे चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आता था। सुबह चलती थी गीता और शाम को चलती थी बृहद्भागवतम, दोनों ही ऊपर लेवल के ग्रंथ हैं, पर लेकिन ये बात मैंने प्रभु जी से पूछी, प्रभु जी मुझे समझ में आई नहीं था। अब किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, आप उसे 2-2 टाइम तक बिठा के रखोगे मन लगेगा,
मन लगे ना लगे मेरे अंदर खलबली मच गई कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी मुझे कथा समझ में नहीं आ रही, क्या करूँ? गुरु जी ने कहा आएगी भी नहीं, गुरु जी कह रहे आएगी भी नहीं, कह रहे इतनी साधारण है क्या कथा? कथा को क्या बोला? बोले तब कथा मृतम, बोले आपकी कथा सुनने से कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? गोपियाँ बोल रही हैं, जिनके लिए भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मैं अपने मोर मुकुट को उतार करके आपके चरणों में रख देता हूँ, अब तो अपने मान को छोड़ दो। वो बोल रही है क्या? तब कथा अमृतम, बोले आपकी कथा जो श्रवण कर ले एक बार, उसका इस संसार से जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। बोले इतना आसान है क्या उन कथाओं को समझना? मैंने बोला फिर गुरु जी क्या करूँ, मेरी तो पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, मतलब बिना कथा को समझे समझे मैं करूँ क्या फिर? बोले चिंता मत करो, कथा समझ में नहीं आती सेवा करो। सेवा से क्या होगा? सेवा से सुकृति बनेगी। सुकृति क्या है? कि बैंक बैलेंस है एक तरीके का। जैसे हम इस जगत में बैंक बैलेंस कमाने के लिए जॉब पे जाते हैं ना, काम करते हैं, भाई हाँ सेविंग्स आई ये रखिए, जितना बैलेंस आएगा उतना हम अपने आप को और कंफर्टेबली फील करेंगे। हाँ हमारे पास इतना पैसा 10 लाख है, गाड़ी खरीद लो, 20 लाख है और कुछ खरीद लो, 1 करोड़ है घर खरीद लो। ये क्या है? जितना बैलेंस होगा उतना आप कंफर्टेबल करेंगे, जितनी सुकृति होगी उतना भक्ति राज्य में प्रवेश होगा। और सुकृति बनेगी कैसे? एकमात्र सेवा से। तो ये जगह क्या है? बोले ये अलार्म क्लॉक है। कैसी अलार्म क्लॉक है? जो हमें बताए कि भैया अब समय आ गया है, अब और देर मत करो। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप उन्हीं लोगों में रहें जो पहले वाले में थे, वो ना बने कि आए गए नहीं। समझ में ना आए कोई बात नहीं, हर चीज हर किसी को समझ में आती भी नहीं है, पर लेकिन आएगी ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे भी आज जब प्रभु जी कथा करते हैं तो समझ में आती है प्रभु जी की वो बात, मुझे आज भी याद है प्रभु जी ने कहा था कि समझ में आएगी, पर आज मुझे हर तत्व सिद्धांत ऑलमोस्ट गुरुदेव की कृपा से समझ में आता भी है। ये गुरुदेव की कृपा होगी, जिस जितने परिमाण में हम सेवा उन्मुख होंगे उतने परिमाण में गुरुदेव कृपा करेंगे कि हम उस चीज़ को समझ सकें। बिना कृपा की ये चीज़ नहीं आई। कृपा आती कब है? जब हम कुछ करेंगे। कृपा का मतलब क्या है? क्री और पा, करोगे तो पाओगे, आप आओगे तो समझ में आएगी। वांछा करोगे। लाल की है। हरे कृष्णा। अनुभव प्रभु जी इधर आ जा। भोला माधव दीदी कहाँ गई? माधव दीदी कहाँ? इधर आ जा माधव दीदी। अरे इधर आओ, तुम्हारे बजे से हो रही। हरे कृष्णा, इधर आओ, कहाँ गई? बस यही माधव दीदी है। देखो आज है ना हमारे जो माता जी, इन्होंने जगन्नाथ जी को अपना घर में आज का दिन उन्होंने स्थापन की थी, इसलिए उन्होंने बोले आज का दिन जगन्नाथ जी मेरे घर में आए ही। ठाकुर जी का जैसे बच्चे लोग अपना बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, हम भी चाहता हूँ आज मंदिर में हम ठाकुर जी के बर्थडे मनाएं। इसलिए आज माता जी की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था है, हैं? और इनका पूरा बच्चे माता जी, इनके सारे बच्चे को माता जी ने कोशिश किया, पति बच्चे बहू सबको जैसे भगवान की भजन में लगा दिया है, इसलिए इन्होंने पूरा अपना बच्चे भाई बन सबको भजन। इसलिए इनका जो बेटा बिपिन, कहाँ है बिपिन? है बिपिन यहाँ पर, इसलिए वो आकर के पूरा ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाए। कभी भी बुला दो कहीं सेवा के लिए, उसने आकर के ठाकुर जी की प्रसाद बनाते, और जितने बहुएं हैं सबके साथ मिलजुल करके सबके साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसलिए ठाकुर जी की बर्थडे उपलक्ष्य में माता जी आज सब भक्तों को बुलाए और यहाँ पर धूमधाम से कीर्तन है कथा हुई। इसलिए हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, माता जी के मन में बड़ी उत्साह माता जी में, ठाकुर जी इनको खूब आशीर्वाद करे और इनका पूरा परिवार को पूरा आशीर्वाद करे, खूब हल्के बोलते रहे और ठाकुर जी वैष्णव की खूब सेवा करते रहे। और जैसे जन्माष्टमी में पूरा इनके परिवार लग जाते हैं, टेंट इनका जो टेंट लगाना, अभी जो यहाँ पर कुछ दिन पहले सत्संग पहुंची वहाँ पर भी टेंट भी लगाए थे ना, टेंट भी लगाए थे, इसलिए हर तरह से ये सेवा करते हैं। इसलिए अभी हमारे बीच में हमारे श्री अनुपम प्रभु जी, वो थोड़ी सी भी अभी थोड़ी सी कथा सुना रहे। देखो ये छोटे छोटे बच्चे लोग इतना अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं। हाँ आप सभी ये बच्चों का आशीर्वाद दें,
ये बच्चे लोग ऐसे बड़े होते थे खूब गुरु वैष्णव की सेवा करे महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है एक दिन ऐसे दिन आएगा संपूर्ण पृथ्वी सुखी होकर के भगवान की निंदा और नाम करेगी। महाप्रभु का भविष्यवाणी है, इसलिए सारा दुनिया गली गली शहर शहर भगवान के नाम में गूंज उठेगा। इसलिए आप लोग इस बच्चों को तो कितना सुंदर सुंदर ये बच्चे लोग भगवान की कथा सुना दें, ये सब आप लोगों का बच्चे हैं, इसलिए आप लोग सब हृदय से सब बच्चों का आशीर्वाद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि शिवो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य गुरु पार्वती ओम विष्णु पार्वती सर्वव्यापक आचार्य अष्टतत्व शेष नमः भक्ति वेदांत श्रद्धेय गोस्वामी महाराज के चरण कमल में प्रति नमन करता हूं। तत्पश्चात समस्त रूपानुग आचार्य वृंद समस्त भक्त वृंद वैष्णव माता सभी के चरण कमल में प्रणाम करता हूं। श्री गुरुदेव जी के आदेश से हरि कथा कहने के लिए सरकार तो मुझे हरि कथा आता ही नहीं, जब मठ में इतने समय हो गया तब मैंने कभी हरि कथा वाला अभ्यास किया है, फिर भी गुरु वैष्णव का आदेश पालन करने पर हमारी आत्मकल्याण होता है। एक जगह हमारे गुरु आचार्य हमारे परंपरा में आचार्य श्री भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज ने उन्होंने एक स्थान में ये लिखा कि हमारे दो सभ्य हैं, हमारे जो सभ्य हैं दो हैं, कौन ना विष्णु और वैष्णव, हमारे दो सभ्य हैं विष्णु और वैष्णव। विष्णु जो है सर्वत्र उपलब्ध हैं, सभी के घर में ठाकुर जी हैं, सब जगह मंदिर हैं, परंतु वैष्णव सभी स्थानों में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमारे जो ये मठ है केवल मात्र मुख्यतः वैष्णव के लिए ही है, वैष्णव के लिए ही मठवास है, वैष्णव के लिए ही हम वैष्णव सेवा के लिए ही मठ में रहते हैं, पर मठ में आना जाना केवल मात्र वैष्णव के लिए है। महाप्रभु जी की कृपा देखो कितना, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा, इन्होंने खुद घर घर श्री नित्यानंद प्रभु श्री हरिदास ठाकुर अन्य अन्य पार्षदों को भेजा कि जाओ सभी जीवों के घर घर द्वार द्वार पर क्या करो ना हरि नाम की प्रचार करो। तो इसीलिए हमारा अभी परम सौभाग्य है हमारे घर के पास अभी हमारे स्थान के पास अभी मठ है जहाँ पर ठाकुर जी तो अपने घर में हैं, गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण हैं, वृंदावन में ठाकुर जी हैं, धाम में तो ठाकुर जी हैं, परंतु वैष्णव का जो वैष्णव हमारे साथ यहाँ पर मठ में रहते हैं, वैष्णव के साथ आकर उनके मुख से हरिकथा श्रवण करना, उनके आचरण से अपने जिंदगी को अपने जीवन को परिवर्तन करना, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है। इसलिए एक श्लोक में कहा गया है कि अक्षण फलम ही तादृश दर्शनम जीवा फलम ही तादृश कीर्तन तनो फलम तादृश गात्र संघर्षु दुर्लभ भागवत कि हमारा जो जो आँख है ये धारण का फल क्या है, जो आँख है इसका फल क्या है ना तादृश दर्शन, तादृश अर्थात भगवान और भगवान की तदीय वस्तु, भगवान और तदीय वस्तु कहने से चार चीज होता है, एक है तुलसी गंगा और भक्त और भागवत, ये चार हैं। तो उसमें एक आते हैं भक्त भी आते हैं, इसलिए कहते हैं अक्षण फलम ही तादृश दर्शन कि ये आंख का फल क्या है ना तादृश अर्थात भगवान और भक्तों का दर्शन, जीवा फलम तादृश कीर्तन और ये जीवा का फल क्या है ना उनका कीर्तन, उनके गुण का कीर्तन, उनके नाम के कीर्तन, उनके रूप माधुर्य का कीर्तन, वैष्णव के चरित्र का कीर्तन, ये सब है जीवा का फल। नहीं तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं जो लोग हरि चर्चा नहीं करते वो कैसे हैं ना मेंढक की तरह दिन भर टर टर करते हैं, और जैसे मेंढक की तरह दिन भर टर टर करते हैं क्या होता है फल ना अपने मृत्यु भी बुलाते हैं, जहाँ कहीं साफ होता है साफ समझ जाते हैं मेरा शिकार आ गया। ऐसे है हम अगर प्रजल को करते हैं दुनिया की बातें इधर उधर का तो एक दिन क्या आएगा समय हमारे ऊपर अंतर आ जाएगा, मृत्यु समय आ जाएगा कुछ भी फल नहीं मिलेगा।
इसलिए कहते हैं जिह्वा फलम ही तादृशभूतम् और तन्न फलम तादृश गात्र संग। और इस शरीर का फल क्या है ना, ठाकुर जी का गात्र संग, अर्थात अपने शरीर के द्वारा ठाकुर जी का चरण दबाना, वैष्णव का चरण दबाना और जितने सारे शारीरिक की संबंधी सेवा है। सुदुर्लभ भागवत ही है। इस प्रकार जो वैष्णव हैं इस लोक माता इस पृथ्वी में बहुत ही दुर्लभ हैं। ठाकुर जी सब जगह मिलेंगे, ठाकुर जी का विग्रह सब जगह मिलेगा, फोटो चित्र मिलेगा, परंतु वैष्णव सब स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे जो है परम सौभाग्य है यहाँ पर वैष्णव लोग आते जाते रहते हैं और हमारे पास जीत लोग भी रहते हैं, नित्य प्रति हरिकथा होता है, आगे चतुर्मास भी होगा, वहाँ पर यम तुम पर कुछ कथा कीर्तन आदि होगा, सब लोग आकर इस परम सौभाग्य का वैष्णव संगत है हरिकथा ही मात्र जाए। संसार निटारक कौन हो कि संसार को पार करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, पर मात्र साधु संग है हरिकथा, साधु संग में हरिकथा है। तो इतना कहकर मैं आपने पानी को विराम देता हूँ। एक बार हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे पूज्य पाद श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भी वैष्णव लोग आए हैं, प्रभु लोग, माताएँ लोग, दीदी लोग, सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। जैसे कि अभी हमारा 8 जुलाई को मठ का इनोग्रेशन फेस्टिवल हुआ था उद्घाटन, और आज इसका द्वितीय फेस्टिवल है, दूसरा हर रविवार को प्रोग्राम होगा और उसमें बहुत सारे वैष्णव लोग वृंदावन से आए थे। अभी हमारे अनुपम प्रभु जी बता रहे थे बहुत सारे भक्त लोग यहाँ से निकलते और चलते रहते, पूछते हैं कि क्या चीज़ है, कि क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लिखा है श्री विनोद बिहारी गौड़ीय मठ। तो कहते मठ क्या होता है, यहाँ तो कीर्तन की आवाज़ आती है, कथा की आवाज़ आती है। तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, देखो दो चीज़ होते हैं, एक मंदिर और एक मठ। मंदिर उसे कहते हैं जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान की कभी कभी पूजा होती है, घंटी आदि आदि बजती है, पर जब भगवान के प्रिय भक्त रहते हैं और भगवान के भक्त भगवान के प्रिय भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहते हैं और दूसरों को भी भगवान की शिक्षा को देते हैं, उसे बोलते हैं मठ। और ये यहाँ पर क्यों बनाया सेक्टर में, कहते जंगल में जाकर बना लेते, बहुत 1,000-2,000 गज जमीन मिल जाती, 5,000 मिल जाती वृंदावन में भी। हमारे भक्ति विधान स्वामी महाराज ने बम्बई में जाकर मंदिर बनाया, सबसे बड़ी मार्केट में जाकर बनाया। क्यों बनाया, और इतनी कीमती जमीन, इतनी सस्ती सस्ती जमीन मिल रही थी हमें जाकर वहाँ पर, 1,000 गज जमीन मिल रही थी, बहुत ही सस्ती, इसकी आदरेट में 1,000-1,200 ये 200 गज जमीन है। तो यहाँ पर क्यों बनाया, ये चीज़ों को हम बहुत चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो भगवान बड़े दयालु हैं, दयालु होने पर भी हमारे जो जो हमारे कष्ट हैं हम भगवान से सुनते तो अगर भगवान का आंसर आता भी है पर हम लोग उनको सुन नहीं पाते। भगवान क्या करते हैं, अगर कोई हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई बताना टोकने वाला है, आप घर में रोज़ भोग लगाते हो, रोज़ पूजा करते हो, क्यों आपके दुख जा नहीं रहे, सुख आ क्यों नहीं रहा, क्लेश घर में कौन है, भगवान बताते हैं कभी?
अगर लेट हो गए सुबह उठाते भगवान, पर क्या भक्त क्या करेंगे, आपके दोषों को बताएंगे और आपको गलतियां कहाँ पर बताएंगे और आपका संशोधन करेंगे और ठीक करेंगे। तो भक्त क्या होते हैं, जो बड़े दयालु होते हैं। मंदिर में जाने के पास किसी के पास समय नहीं है, मंदिर के पास जाने के लिए समय नहीं है, इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, खुद ही घर घर में जाके शिक्षा देते हैं। अब घर घर में जाएंगे तो हर रविवार को कौन कीर्तन करा लेगा, कोई करा लेगा? कोई है ऐसा यहाँ पर हर रविवार को अपने घर में कीर्तन करा देगा, रसोई बना देगा? एक संडे कराओगे, दो कराओगे, कहेंगे बाबा, क्योंकि लोग तो प्रसाद पाके चले जाते हैं, फिर बाद में बर्तन मांजना, सफाई करना, पत्थर उठाना, फेंक के जाना, कोई है संडे करा लेगा? ये संत लोग बड़े दयालु होते हैं, जीवों पे दया करने के लिए हो, जीवों पे दया करने के लिए। और सबसे दयालु भगवान है और सबसे सुख का स्थान है गोलोक धाम बैकुंठ। और हम इस संसार में आ गए हैं और यहाँ सभी लोग दुखी हैं, मानो चाहे ना मानो, हम सभी दुखी हैं। और यहाँ पर बुढ़ापा, मृत्यु रोग, बहुत प्रकार के कष्ट है, घर घर में क्लेश है, तो इनकी इनसे कैसे छुटकारा पाए और खुद कष्ट सहन करने के लिए। जानते महाराज जी देखो कितना कष्ट में पूरा दिन रात लगे रहते हैं, हाउस प्रोग्राम सुबह दोपहर शाम, और हमारे ब्रह्मचारी रात को देखना, सब लोग चले जाएंगे, क्या करेंगे, बर्तनों को मांजेंगे, इतना कष्ट कोई कर सकता है? क्यों? ये दया है, दया जीवों के ऊपर, तो इसलिए ये करते हैं। और एक बात हो रही है, जो मठ बनाया है, मंदिर बनाया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे आए भी नहीं है, कुछ लोग लाइव टेलीकास्ट भी देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी देख रहे हैं। तो जिन्होंने भी एक रुपया भी दिया है, इसमें बहुत सारे लिस्ट है, हम समय आने पर उनका धन्यवाद भी करेंगे और महाराज जी से आशीर्वाद भी दिलाएंगे। परंतु मैं इतना आश्वासन दिलाता हूँ, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद जी ने कहा है, जो मठ मंदिर के लिए भगवान की सेवा के लिए अगर कोई एक माचिस भी देते ना, अगर कोई एक तिल्ली भी देते, एक रुपया भी देते, दाल भी देते, चावल भी देते, कहते उसका कोटि कोटि जन्मों में भी कोई इतना बड़ा परोपकार हो नहीं सकता। करे अनंत कोटि विद्यालय खोल दो, हॉस्पिटल भी खोल दो, हॉस्पिटल में इलाज भी हो जाएंगे, फिर दोबारा बीमारी होगी, दोबारा इलाज होंगे, दोबारा कभी बुखार ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, डायलिसिस हो जाएगी, कभी हार्ट अटैक ठीक होगा तो आई फ्लू हो जाएगा, कभी क्या होगा, कभी कुछ होगा। पर एक परमार्थिक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जब परमानेंट इलाज किया जाता है, तो कोटि कोटि अस्पताल खोलने के बराबर एक ऐसा बैकुंठ की शिक्षा जहाँ दी जाती है, यहाँ गोलोक जाने का रास्ता बताया जाता है, अगर कोई ऐसा स्थान मिले तो वो सबसे बड़ा परोपकार है। जैसे बता रहे थे ना, इतना ही बड़े जगत में कुएं खुदवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, आदि आदि दान करना भी बहुत उससे बड़ा परोपकार है, किसी को एक जीव को भटकते हुए को भगवान के चरणों में ले जाना, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आनंद ही है और वहाँ पर सुख है। कृष्णा उद्धव जी को कहते, बोले उद्धव जी अगर मेरे कोई मंदिर बन रहा है उसमें एक ईंट, कहते बोले एक ईंट को मंदिर की सेवा के लिए अगर कोई दे दे, ये कृष्ण उद्धव जी को कह रहे, एक ईंट अगर दे देना, मैं उसके लिए गोलोक वृंदावन में राज महल में बना देता। ये कृष्ण स्वयं ये उद्धव जी की बात कहते। और गीता में क्या कहते हैं, बोले सल्पा मपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वयाते अर्जुन, मेरे सेवा के लिए, मेरे मंदिर के लिए अगर थोड़ी सी, यहाँ तक भी कृष्ण कहते हैं आदरितवा अनुमोदितवा, अगर कुछ कर भी नहीं पाया, अगर अनुमोदन कर दिया, बोले भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए मंदिर बन रही है, बहुत अच्छी सत्संग होगी ना, बहुत अच्छी बात। कहते अगर इतनी सी अगर कोई बात बोले ना, आदरितवा अनुमोदितवा, आदर व अनुमोदन कर देता है उसके लिए, कहते बोले सत्य कुनाति सद्धर्मम जानती विश्व द्रोह भी, जो कितने बड़ी बात कहते हैं, वो व्यक्ति अगर कभी देव द्रोह अगर क्यों नहीं किया, कभी विश्व द्रोह अगर क्यों नहीं किया, बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं किया, अगर कहीं भगवान की मंदिर बन रहा है, हैं, अगर इतनी सी बात बोलते बहुत अच्छी बात है। कहते सत्य कुनाति सद्धर्मम, उसी समय में ही वो व्यक्ति सारे पाप से मुक्त होकर के अपना सद्धर्म में तो आत्म भक्ति में प्रतिष्ठित होकर के मेरे धाम को प्राप्त करता है, कि भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए जिन लोगों ने ये मंदिर के लिए है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किसी ना किसी तरह से आप लोगों ने मदद किया,
हम ठाकुर जी से, गुरु वैष्णव से, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी उनको खूब शांति सुख दे, जीवन में आनंद दे, भगवान की भक्ति दे और उनको ठाकुर जो सेवा दे, हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और जो ये जो मंत्री बना है ना, हम लोग ने सभी तो समित किया, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ऋषि प्रभु जी है। ऋषि प्रभु इधर खड़े हो जाओ। इन्होंने और इन्होंने यहाँ पर दिन रात खड़े होकर के प्रभु जी सारी लड़ाई झगड़ा इधर उधर करते हुए, और हमारे यहाँ पर एक बंगाली प्रभु जी कहाँ गए? बंगाली दादा कहाँ गए? इसलिए इनका पति है कि यहाँ पर खड़े होकर के आधा दिन खड़े होकर कोई रात जग करके बड़े परिश्रम से इन्होंने ये मंदिर के लिए बहुत बहुत परिश्रम किया है। इसलिए और जीत प्रभु तो हर तरह से मैंने तो कुछ पैसा वैसा खरीद दिया, लेकिन इंच का जितने झावला है ना, कहाँ कोर्ट से क्या करना है, कहाँ क्या कागज बनाना, मैंने तो कुछ शिकायत नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने सब चारों तरफ पे भाग दौड़ करते हुए हमारे जीत प्रभु प्रोग्राम इन लोगों ने बहुत बहुत परिश्रम किया है। अब इनके लिए अभी जैसे आप यहाँ पर आया, प्रभु जी मैं कुछ नहीं देखता हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये जीत प्रभु जी दिन भर भाग आप सोच नहीं सकते। घर में अगर दो चार व्यक्ति आ जाए ना, सर दर्द करने लग जाता, माताओं को बता दो चार अगर ये मेहमान आ जाए ना, भैया कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, इनका सर दर्द हो जाता है। और यहाँ पर इतने भक्त आ रहे जा रहे, प्रसाद पा रहे, प्रभु जी मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, प्रभु जी भाग दौड़ दिन भर में कभी सोचने में कभी परेशानी हो जाता हूँ, दिन भर का नींद नहीं आती, पानी नहीं आया, ये लाइट नहीं, ये खराब हो गया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये सारे काम को भाग दौड़ कर कर रहे हैं, इसलिए भगवान इन सबको ऊपर आशीर्वाद दे, ठाकुर जी की कृपा। अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, देखो एक बात बात बताऊँ, कितना सेवा का फल है, किसी ने माइक दिया, ये माइक की आवाज़ कहाँ तक जा रही है, कितने लोगों को भगवान की शिक्षा मिल रही है। अब जिन्होंने माइक दिया है ना, मानो सेवा में दिया है, कितना बड़ा करोड़ों करोड़ माइक तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कितना 10-20 हज़ार का ज्यादा होगा, और करोड़ों करोड़ों लोग से इतना उपकार हो रहा है, इसकी कीमत 1 अरब 2 खरब से भी ज़्यादा है। किसी ने मंदिर में मानो एक्वागार्ड लगाया फ्रीज, उसका लोग सब लोग आके लगा आप लोग पानी पी रहे, तो फ्रीज मंदिर में सेवा का बहुत बड़ा फल है। तो जो भी लाइट लगाए, जिसने भी लगाया है, किसी भी दिया है, उसका जन्मों जन्मों तक ये भगवान जो भगवान भी ऋण चुका सकते हैं हम तो क्या। और महाराज ने एक बात बोली कि मैं ये सारा काम करता हूँ, ये मैंने नहीं कैसे बताऊँ, ये महाराज जी हमारे श्रीधर महाराज जी हैं जिन्होंने सारा प्रयत्न किया, और मेरे को तो 1 रुपया भी कोई देता नहीं, महाराज जी की भजन के बल से, सेवा के बल से, और महाराज जी की सेवा सौंदर्य से, सबके ऊपर दया की वजह से ये सब को लिया, महाराज जी ने पूरा इसमें योगदान दिया है, इसलिए महाराज जी के लिए सब लोग ताली बजाएं। प्रसाद भी है उसका, परंतु 2 बार में होगा लग रहा है, कुछ ज़्यादा आप चिंता नहीं करना, हो जाएगा। और सभी लोगों से प्रार्थना, ये ना सेक्टर है, सोसाइटी है, पत्थर ना बाहर नहीं फेंकना, ना ड्रम में पत्थर फेंकना, सब लोग ड्रम में पत्थर फेंक लिए, थोड़ा गंदगी ना करना, क्योंकि आगे भी हम चलते रहें, ऐसे में कोई दिक्कत आए। और आरती होगी, जैसे आज बहुत सारे भक्त लोग बोले तो आप लोग घबरा मत, आगे से आएंगे नहीं, बच्चों का स्कूल भी है, इतना लेट हो गया, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ये आज पहला दिन था।